तो मूवी के स्टार्ट में ही हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि दुनिया में रहने के लिए काफी कम जगह बची थी। तो इसका हल निकालने के लिए वो लोग सोच रहे थे कि क्यों ना मार्स को विजिट किया जाए, उधर की एटमोसफेयर को देखा जाए कि क्या इंसान वहाँ जिंदा रह सकते हैं। तो वहाँ पर भेजने के लिए वो कॉकरोच को चुनते हैं क्योंकि सर्दी हो या गर्मी, चाहे कैसा भी मौसम हो, कॉकरोच जिंदा रह लेते हैं। ये साल 2097 होता है। ये साल 2597 का होता है। कॉकरोच को मार्स पे भेजा जा चुका था। तो मूवी में जो नया सीन दिखाया जाता है वो 2597 का होता है, यानी 2597 का, जहां हम एक लड़की और एक लड़की को देखते हैं। लड़की का नाम निना होता है और लड़के का नाम कुमाची। वो दोनों काफी डर कर किसी रोड पर भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे पुलिस होती है, उन पर किसी मर्डर का इल्जाम होता है। तभी इन्हें एक डॉक्टर पकड़ लेता है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था, जबकि वो कहीं से डॉक्टर तो लग ही नहीं रहा था। फिर अब वो निना और कुमाची से कहता है, तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा। अब वो इन दोनों से कहता है, जो कॉकरोच 500 साल पहले मार्स पर भेजा गया था, तुम लोगों को उसको मेरे पास लाना होगा ताकि मैं देख तो सकूं कि उस पर क्या चेंजेस आए हैं और इसका फायदा क्या होगा। वो ये कि मैं तुम दोनों पर लगे हुए इल्जामों को हटा दूंगा, तुम्हारे पीछे कोई पुलिस नहीं आएगी और तो और इसके लिए मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा पैसा भी दूंगा। तो कुमाची और निना मान जाते हैं, लेकिन उन्होंने फौरन ही मार्स के लिए नहीं निकलना था। इनकी पूरे 2 साल ट्रेनिंग होती है, इनके साथ और भी लोग होते हैं जिन्होंने मार्स पर जाना, और कुछ ही टाइम में ये लोग मार्स पर पहुंच जाते हैं। अब ये लोग वहां जाते बेहोश कर देने वाले गैस छोड़ देते हैं ताकि मार्स पर मौजूद सारे के सारे कॉकरोचेस बेहोश हो जाएं। लेकिन जब ये लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं तो हैरानी की बात कि इनको एक भी कॉकरोच नहीं मिलता। कुमाची के एक और साथी का नाम जेन होता है। अब जब जेन अपनी साथी के साथ आगे जा रहा होता है तो उसे कॉकरोच की जगह एक क्रिएचर दिखाई देती है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह खड़ी हुई थी, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे वो आधी कोई क्रिएचर हो और आधा वो कॉकरोच ही हो। ऐसे लग रहा था जैसे उनके हाथ में कोई लकड़ी या पत्थर है और अगर उन्होंने अपने अलावा यहाँ पर किसी को देख लिया तो उस पर हमला कर देंगे। तो जेन अपनी साथी के मुंह पर हाथ रख लेता है और उसे चुप रहने का कहता है क्योंकि ये क्रिएचर्स मासूम तो नहीं लग रहे थे। अपने नाव और कुमाची भी एक साथ जा रहे होते हैं, उन्हें भी यही क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। वो उनको देख के काफी डर जाते हैं और स्टिल खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी वो कॉकरोच किसी से दिखने वाला क्रिएचर भाग कर आता है और नाव की गर्दन तोड़ देता है। वो इतनी ज्यादा क्विकली आता है कि कुमाची उसको रोक भी नहीं पाता। ऐसा करते ही वो वहां से गायब हो जाता है। न जाने इसको निनाओं से क्या दुश्मनी थी। वेल, निनाओं से तो नहीं, लगता है इसको पूरे इंसानों से ही दुश्मनी थी। हाँ, वो सब निनाओं को वापस स्पेसशिप में ले आते हैं। तो डॉक्टर बी ने कंफर्म कर देता है जिस क्रिएचर ने इस पर अटैक किया वो कोई और नहीं बल्कि वही कॉकरोचेस जो कि 500 साल पहले यहाँ पर भेजे गए थे। और जाहिर है एटमॉस्फेरिक चेंज तो हर एक चीज पर होता है, तो इन पर क्यों ना होता। ये इवॉल्व हो गए, एक बड़ी सी क्रिएचर में बदल गए। इसके साथ साथ इनमें थिंकिंग एबिलिटी भी और काफी ज्यादा पावर भी आ गए जिसका यूज करना ये काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब डॉक्टर बताता है कि इनसे लड़ने का एक तरीका है, मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि तुम लोगों के अंदर इंजेक्ट होते ही तुम्हें पावरफुल बना देगा। कुछ टाइम के लिए तुम लोगों में भी एबिलिटीज आ जाएंगी। इसी के साथ वही कॉकरोच क्रिएचर्स आ जाते हैं। तभी इनके क्रू में से एक आदमी बाहर आता है जिसने अपने सर पर कोई कपड़ा बांधा होता है। वो कहता है कि मेरे अंदर ये इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाए। अब उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उसमें भी वो पावर्स आ जाती हैं। उसके हाथ से आग निकलने लगती है तो अपने सामने खड़े हुए क्रिएचर को उस आग से मार डालता है। उनका रूफ शीशे का होता है तो एक क्रिएचर उस ग्लास रूफ को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और वो वहाँ पर 2 आदमियों को मार डालता है। वो एक आदमी की गर्दन उसकी बॉडी से लेता ही कर देता है। लगता है ये इनका फेवरेट काम है। ये देखते हुए कैप्टन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो भी इंजेक्शन ले लेता है और बुलेट आंट में बदल जाता है। उसमें काफी पावर्स आ जाती है तो वो क्रिएचर का बहुत बुरा हाल करता है, उसकी बॉडी को काट डालता है। अब ये कॉकरोच आर्मी इनके स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगती है। अगर तो वो स्पेसशिप के अंदर आ जाती तो वो सब लोगों को भी मार देती और स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर देती। तो ये सब लोग प्लान करते हैं कि अपने स्पेसशिप को लेते हुए यहाँ से निकल जाए, लेकिन इससे पहले ही स्पेसशिप में एरर आ जाता है और ये लोग ऐसा नहीं कर पाते। तभी ये सोचते हैं कि हम पुरानी स्पेसशिप से जा सकते हैं, क्यों ना उसमें जाया जाए। अब ये सब लोग स्पेसशिप की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन कुमाची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
लग रहा होता क्योंकि निनाओ मारी जा चुकी थी। ये सब लोग उसको यहीं पर छोड़कर जा रहे थे तो कुमाची निनाओ के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि निनाओ के बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं और ये सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि इनके सामने क्रिएचर्स का पूरा ग्रुप खड़ा है जिनको हराना बहुत मुश्किल है। तो इनमें से एक और आदमी खुद को इंजेक्शन लगवाता है, वो भी एक खौफनाक क्रिएचर में बदल जाता है जो कि किसी मॉन्स्टर के जैसे थे। और उसकी एबिलिटी ये थी कि वो अपने मुंह से आग निकाल सकता था। वो उन पर आग फेंकने लगता है जिससे वो इस वेव से तो छुटकारा पा लेते हैं। अब वो आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि तभी सामने से उनकी और आर्मी आ रही होती है। तो अब दो लड़कियां खुद को इंजेक्शन इंजेक्ट करती हैं और क्रिएचर में बदल जाती हैं। ये सब उन क्रिएचर से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इस बार 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 नाकाम हो रहे थे क्योंकि वो क्रिएचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब इनकी गाड़ी भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है और पलट जाती है, उसमें से आग निकलने लगती है। वो बहुत बार पलटती है जिससे वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है और उसमें से वो दोनों कैरेक्टर्स बाहर आकर गिरते हैं। लेकिन यहाँ मजे की बात ये होती है कि इतनी बार पलटने के बाद भी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। वो गाड़ी ऑटो होती है और अपने आप ही चलने लगती है। तभी क्रिएचर्स का हमला होता है इन तीन लोगों पर जो कि डॉक्टर के साथ आए, लेकिन क्रिएचर्स इनके बहुत करीब आ जाते हैं। एक का सर उड़ा देते हैं, एक को अपने स्टिक से बहुत जोर से मारते हैं कि वो जमीन पर जाकर लग जाए और इसी तरह से वो क्रिएचर्स उन तीनों को मार डालते हैं। अब स्पेसशिप पे एक लड़की स्पेसशिप को जमीन के लिए सेट कर देती है क्योंकि वो लोग इस प्लेनेट पर रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि जिन कॉकरोचेस को वो पकड़ने आए थे वो तो अब एक क्रिएचर में बदल चुके थे जो कि उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इससे पहले उनको बाहर किसी चीज की आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनके साथ ही मर चुके होते हैं लेकिन वहां पर दो ही डेड बॉडीज होती है। पता नहीं तीसरा आदमी कहां गया। अब कुमाची को गुस्सा आ जाता है। कुमाची चीन और एक और लड़की भी अपने अंदर वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेते हैं और उनमें भी अब एबिलिटीज आ जाती हैं। अब वो चाहते हैं क्रिएचर्स के पास उन्हें मारने के लिए कि तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स कैप्टन को मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी एक लड़की जो कि पहले हमें लग रही थी कि क्रिएचर्स नहीं मारती होगी, उनमें से एक क्रिएचर की बॉडी को चीरते हुए बाहर आती है और कैप्टन पर ही शूट कर देती है। साथ ही वो अपने एक साथी पर पानी फेंकती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों डॉक्टर के लिए सीक्रेटली काम करते थे। ये एक एग के बारे में डॉक्टर को बताते हैं। हो सकता है कि इन्हीं क्रिएचर्स का एग हो। उतनी देर में उस एग में से दो क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं और तभी स्पेसशिप भी जमीन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब ये वो न्यूली बॉर्न क्रिएचर्स देखते हैं तो वो बाकी क्रिएचर्स को बुलाने लगते हैं कि वो स्पेसशिप को रोके, तो सारे के सारे क्रिएचर्स उड़ते हुए वहां पर आते हैं। अब ये सारे क्रिएचर्स इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो इनसे लड़ने के लिए इस वक्त सिर्फ कुमाची, चेन और एक लड़की ही बची थी और इनको समझ नहीं आ रहा होता कि उनसे कैसे लड़ेंगे। अब चेन को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि एक बार इंजेक्ट करने से हमें थोड़ी सी एबिलिटीज आती हैं, अगर हम ये इंजेक्शन दूसरी बार लें तो हमें ज्यादा एबिलिटीज आएंगी। ऑब्वियसली अगर तीसरी बार लेंगे तो हो सकता है कि हमें ये सारी एबिलिटीज आ जाएं जो कि कॉकरोचेस में है। अब ऐसे ही होता है, जब चेन थर्ड टाइम वो इंजेक्शन लेता है तो उसके पैर भी निकल आते हैं और यही तो वो चाहता था। अब वो उन कॉकरोचेस से लड़ने लगता है लेकिन वो इतने ज्यादा और इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये लोग उन्हें हरा ही नहीं पा रहे होते। तो अब चेन चौथी बार खुद को इंजेक्ट करता है जिसके बाद ये मॉन्स्टर बन जाता है और जाहिर है इसमें पावर्स भी उतने ही होंगी। लेकिन काफी ज्यादा टाइम हो जाने के बाद भी जब वो क्रिएचर्स को नहीं हरा पाता तो वो काफी ज्यादा थक जाता है। तब कुमाची आके आता है और वो कहता है कि मैं इन क्रिएचर्स को हराऊंगा। अब कुमाची इन क्रिएचर्स से लड़ने लगता है। जैसे ही कुमाची उन क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर के पास जाता है तो वो क्रिएचर कुमाची को ही पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी उसकी नजर एक ग्लोइंग चीज पर पड़ती है जो कि उड़ के उसकी तरफ ही आ रही होती है। उससे बहुत ही प्यारी गोल्डन डस्ट गिर रही होती है। वो कोई फीमेल फेरी लग रही होती है। तो सुन लीजिए, ये असल में थी कौन। ये निनाओ होती है जो कि अपने इस कैरेक्टर में परमानेंटली आ चुकी थी, यानी ये उस टाइम मुकम्मल तौर पर मरी नहीं थी बल्कि इसने वापिस आना था। कुमाची ये देख के बहुत खुश होता है और निनाओ की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी क्रिएचर को समझ आ जाती है कि ये ग्लो कर रही है और हो सकता है कि जब इस पर शूट किया जाए तो ये ब्लास्ट कर जाए, इस तरह से मैं इसे मार सकूं। तो वो सालिम क्रिएचर इसी तरह करता है। ग्लोइंग निनाओ पर शूट करने की वजह से वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और निनाओ फिर से गायब हो जाती है। लेकिन कुमाची भी वहीं पर होता है और उसके जान को भी खतरा था कि कहीं वो चल ना जाए। तो चेन उसे उठाकर वहां से ले जाता है और कुमाची निनाओ को आवाजें देता रहता है क्योंकि वो निनाओ को पसंद किया करता था और अब उसका एंड होता हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी था। कुमाची बेहोश हो जाता है और अगले ही पल जब उसे होश आती है तो देखता
लगता है कि जेन उसके सामने है, लेकिन अब वो एक पूरा का पूरा क्रिएचर बन चुका था। कोमाची उसे कहता है आओ जेन चले यहाँ से, लेकिन जेन कहता है नहीं कोमाची, मैं मार्स का ही एक क्रिएचर बन चुका, मेरा जमीन पर जाना ठीक नहीं है मेरे दोस्त, मुझे यहीं रहना होगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई भी मसला हो, तुम जाओ मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। कोमाची ऐसा करना चाहता तो नहीं था लेकिन उसे करना पड़ता है। वो बहुत दुखी था कि उसकी दोस्त नैनाओ भी नहीं रही और अब जेन भी यहीं रह गया। अब कोमाची स्पेसशिप की तरफ चला जाता है, अब उनका अगला टारगेट जमीन ही होती है। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि ये सारी स्टोरी दुनिया को बता रहा होता है और लाइव टेलीकास्ट दे रहा होता है। अब जब गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि उनका इतना वक्त और पैसा जाया हुआ और डॉक्टर वहाँ से कुछ भी ना ला पाया, वो अपने मिशन में फेल हो गया, तो वो हुक्म देती है कि इसको मार दिया जाए। इसने वहाँ जाकर लोगों की जानों से खेला है और हमें ट्रिक करने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि जो डॉक्टर की असिस्टेंट होती है उसे भी उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वाकई डॉक्टर बात का पक्का नहीं होता, तो उस पर शूट करने लगती है। लेकिन डॉक्टर बहुत चालाक था, वो जानता था कि एट द एंड उसके साथ क्या होगा, तो वो उस बुलेट को कंट्रोल कर लेता है। वो काफी स्लो हो जाती है। तभी उसी गन पर हम एक स्पाइडर देखते हैं जिसके अंदर से एक गैस बाहर आती है। जैसे ही वो गैस वो लड़की सूंघती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं मारी जाती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।